तो गाइस मीशो ने कर दिया है नया अपडेट क्लेम रिफंड प्रोसेस को लेके। जो आप पहले कस्टमर रिटर्न आती थी उसको जो क्लेम करते थे उसमें पहले जो अमाउंट मिलता था, अब वो अमाउंट नहीं मिलेगा भाई। अब जो क्लेम आप करोगे उसमें आपको कम अमाउंट मिलेगा। जैसे पहले आप कोई आइटम आपको 300 की है तो आप उसको जब क्लेम करते थे, जब गलती रिटर्न आती थी तो आपको कम से कम 250-200 से मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं मिलेगा। अब आपको क्लेम अमाउंट कम मिलेगा। ये लगा लो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से होगी वो अपने अकॉर्डिंग सेट करके देंगे भाई। मुश्किल से अब 100-120 के आसपास मिलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट 300 के आसपास का होता है तो आपको क्लेम अमाउंट 100 रुपये के आसपास का मिलेगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, वो खुद डिसाइड करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं भाई उसकी पूरे प्रोसेस के बारे में जो उन्होंने अपडेट किया है, पूरे अपडेट्स के बारे में जो कि 24 जून को आ चुका है। हेलो गाइस, तो मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि मीशो ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, पूरा बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो गाइस ये आया मीशो का नया अपडेट जो कि आपको ना नोटिस पैनल में मिल जाएगा, उसमें खोलोगे सबसे ऊपर ही होगा जो 24 जून को ये अपडेट हुआ है, सबसे ऊपर ही दिखेगा आपको इम्पोर्टेंट अपडेट टू योर क्लेम रिफंड प्रोसेस। इन्होंने क्या क्या अपडेट किए हैं वो अब यहाँ पे रीड कर सकते हो भाई, जो कि आज से मतलब उसी दिन से लागू हो चुके हैं, 24 जून से लागू हो चुके हैं। और क्या क्या अपडेट किए हैं देखो, जो ये ना पहले रिफंड करते थे वो अपने हिसाब से करते थे, लेकिन जो अब रिफंड करेंगे ना भाई, मार्केट ओनली बी रिफंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको सिर्फ जो है अपने प्रोडक्ट का फेयर प्राइस मिलेगा जो भी मार्केट के हिसाब से होगा, जो कि इनके कैलकुलेटर की जो है ना कैलकुलेट विद द फेयर प्राइस कैलकुलेटर, मतलब कौन से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे आपके प्रोडक्ट का प्राइस उसके हिसाब से रिफंड करेंगे। और फॉर विच आइटम क्लेम हैज बीन अप्रूव्ड, जो भी क्लेम आपका अप्रूव होगा आपको उसके प्रोडक्ट के हिसाब से क्लेम मिलेगा। रिवर्स शिपिंग फी विल नो लॉन्गर बी इंक्लूडेड इन द रिफंड अमाउंट, जो रिवर्स शिपिंग फी होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी अब रिफंड अमाउंट। व्हाट डज दिस मीन फॉर यू रिफंड अमाउंट, मूविंग फॉरवर्ड द अमाउंट यू सी इन द सप्लायर पेमेंट्स पैनल विल रिफ्लेक्ट ओनली द फेयर प्राइस ऑफ द रिटर्न प्रोडक्ट कैलकुलेटेड यूजिंग अवर फेयर प्राइस कैलकुलेटर। इसके जरिए जो अपना ये इसका इनका फेयर प्राइस कैलकुलेटर है, इसके जरिए ये कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से आपको अपने आपके प्रोडक्ट का फेयर प्राइस देंगे। अब पता नहीं वो भाई जो कर रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि ये आपको जो क्लेम है वो कम ही देंगे, जितना पहले देते थे उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं अब देंगे। जैसे पहले इसमें क्लेम अच्छा मिल जाता था भाई, मतलब 300 का आपका प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हो तो आपको 300 की नहीं तो 280 तो मिल जाता था, कम से कम 250 मिल जाता था, लेकिन अब तो मुझे लगता है भाई आपको 100 रुपये के आसपास ही मुश्किल से मिलेगा क्लेम अमाउंट, ये कम कर देंगे अब, क्योंकि तभी तो भाई ये अपडेट लाए हैं, अगर उनको ज्यादा देना होता तो अपडेट क्यों लाते। द रिवर्स शिपिंग कॉस्ट विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस रिफंड एंड यू सेलर विल बियर द रिवर्स शिपिंग कॉस्ट, जो रिवर्स शिपिंग कॉस्ट लगती है वो सेलर ही बियर करेगा भाई, सेलर को ही लगेगी, उसमें से वो हटा दी जाएगी। वाई दिस चेंज क्यों कर रहे हैं, ये बता भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये बता रहे हैं, वाह जी वाह। दिस एडजस्टमेंट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिटर्न प्रोसेस, वी बिलीव दिस चेंज विल एनहेंस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ आवर प्लेटफॉर्म अलाउिंग अस टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग ए कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस फॉर ऑल आवर सप्लायर्स। तो भाई ये सब इन्होंने चेंज कर दिए हैं भाई, इस चेंजेस से मुझे लगता है जो सेलर्स को गलत रिटर्न मिलती थी जो क्लेम करते थे, मुझे लगता है इसमें अब आपको ना भाई क्लेम अमाउंट बहुत कम मिलेगा। और हाँ भाई देखो जो ये लिखा है ना रिफंड अमाउंट, इसमें जो ये लिखा है द रिवर्स शिपिंग कॉस्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस रिफंड एंड सेलर विल बेयर द रिवर्स शिपिंग कॉस्ट। भाई पहले जब आप क्लेम करते थे अब क्या होता था, आपको ना क्लेम अमाउंट में रिवर्स शिपिंग फी वो आपको मिलती थी। उसका मतलब ये है जैसे मान लो कस्टमर ने आपका जो प्रोडक्ट रिटर्न किया, जो प्रोडक्ट आपके यहाँ तक पहुंचता था उसकी जो फी लगती थी ना शिपिंग फी, वो पहले आपको मिलती थी, अब वो आपको नहीं मिलेगी, उसमें से वो भाई वो माइनस कर देगा क्लेम अमाउंट में से। फर्स्ट चीज तो अब ये है रिवर्स शिपिंग फी आपको नहीं मिलेगी, जो भी आपको मिल रही थी पहले।
सेकंड चीज जो भाई ये लिखा है ना कैलकुलेट विद द फेयर प्राइस कैलकुलेटर, ये जो अब भाई आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो आपको कोई रिटर्न आ रहा प्रोडक्ट और मान लो उसके बदले कुछ दूसरी आइटम आ गई, अब क्या करेंगे ना ये उस आइटम का भी प्राइस खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, वो भी आपके क्लेम में से माइनस करेंगे जो और आपके जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस होगा एक्चुअली, या जो ये अज्यूम करेंगे मार्केट के हिसाब से जो भी प्राइस होगा आपके प्रोडक्ट का वो आपको रिफंड करेंगे। इसका मतलब आपको ज्यादा क्लेम नहीं मिलेगा, उसका मतलब भाई आपको क्लेम जो है कम ही मिलेगा। ठीक है भाई, समझे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ना खुद से ही आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है कैलकुलेट करेंगे और जो आप रिसीव करोगे उसका प्राइस भी माइनस करेंगे, उसका अमाउंट भी माइनस करेंगे, वो आपको तब उतना आपको क्लेम देंगे। जैसे मान लो आपका आइटम 400 का है ना, जब आप क्लेम करते थे पहले आपको 350 कुछ मिलता था, उसमें क्या होता था रिवर्स शिपिंग फी ऐड होती थी और आपके प्रोडक्ट का अमाउंट था, अब क्या होगा वो हट जाएगी, मान लो 80 रुपए वो हट गई रिवर्स शिपिंग फीस, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसकी भी प्राइस वैल्यू कुछ ना कुछ लगाएंगे, वो माइनस करेंगे, प्लस आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के हिसाब से होगा जो भी इनकी कैलकुलेटर के हिसाब से उसमें आएगा वो आपको देंगे आप क्लेम अमाउंट। ठीक है गाइस, भाई इसका पूरा लाकी मतलब ये है भाई, आपको अमाउंट कम मिलेगा, जो पहले आपको 250 मिलता था वो आपको 100 रुपए 80-100 रुपए ऐसे मिलेगा, उससे भी शायद कम मिल सकता है। ठीक है गाइस, ये सब था इसमें। तो गाइस आपने देखा, मैंने आपको इसमें दिखाया भाई रिफंड, जो इनका क्लेम रिफंड प्रोसेस था उन्होंने अब इसमें जो अपडेट किए है, मेनली इसमें है क्या, जैसे देखो आप पहले 300-400 जो आपका प्रोडक्ट होता था, जो आपको मान लो रिटर्न जो प्रोडक्ट आपने आया है वो गलत आया है या कुछ खराब आया है, रॉन्ग रिटर्न आया है, जब उसका आप क्लेम करते थे आपको अमाउंट उसमें अच्छा मिल जाता था, कम से कम 250-300 मिल जाता था अगर 400 प्रोडक्ट है तो। लेकिन आज आपकी जो इस अपडेट से मुझे लगता है जो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट होगा जो भी क्लेम होगा आपको कम मिलेगा भाई, मुश्किल से मान लो आपको 300 प्रोडक्ट है तो ये 400 का है तो 100 रुपए के आसपास का क्लेम मिलेगा, जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा मार्केट के हिसाब से जो भी ये कैलकुलेट करेंगे ना इनके जो फेयर प्राइस कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से मुझे लगता है भाई कम ही मिलेगा, क्यों तभी तो पुलिस लाया भाई, अगर ज्यादा देना होता इनको क्लेम तो ये लाते क्यों, इनको कुछ ना कुछ कम ही करना होगा, पहले हमें ज्यादा दे रहे थे क्लेम ले लो जो दिल खोल के दे रहे थे, अब इनका दिल छोटा हो गया है, मीशो का दिल छोटा हो गया है। तो जब आप भाई मीशो पे सेल करो तो ध्यान रखना क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करो जिसमें रिटर्न कम हो, नहीं तो आपको भाई अब ना तो क्लेम मिलेगा और लॉस भी हो सकता है। फिर जब भी आप ऑनलाइन सेल करो मीशो पे सेल करने की, जो भी नए सेलर है सोच रहे हैं सेल करने की, भाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना, मैं तो ये कहूंगा भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह सेल मत करना, उसमें रिटर्न ज्यादा आती है, आपको ना क्लेम मिलेगा ना कुछ होगा और लॉस ऊपर से हो जाएगा। एक सब्सक्राइबर है जो सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम घड़ी वगैरह में जो भी है ना, तो उनको भाई उसमें भी काफी लॉस हो चुका है जो कर रहे थे, तो मुझे क्योंकि भाई इसमें चोरी भी तो होती है, चोरी तो भाई बहुत होती है, जितने आपके ऑर्डर होंगे उतनी आपकी चोरी भी होगी, तो आपको भाई सब चीज देखनी पड़ेगी जब भी अगर आपको सेल करना है मीशो पे तो क्वालिटी आइटम सेल करना। ठीक है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना क्योंकि भाई क्लेम ही नहीं मिलेगा अब। ठीक है गाइस, तो क्वालिटी का ध्यान रखना, अभी तो भाई कुछ टाइम और रुक जाओ इनके ऊपर, इनमें मीशो में भाई अभी ब्रांड का पंगा भी आने वाला, जो सेलर्स बिना ब्रांड के सेल कर रहे हैं ना भाई उनको अभी बड़ा झटका कुछ टाइम बाद लगेगा। जब मीशो अमेजोन फ्लिपकार्ट ने भी शुरुआत की थी तब वहां भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ब्रांड नेम का पंगा नहीं था, लेकिन अब आ चुका है, कुछ टाइम बाद भाई मीशो पे भी आएगा, जब तक आप ब्रांड नहीं लोगे ना आप, अभी तो भाई आप बिना ब्रांड के सेल कर रहे हो मीशो वगैरह पे कर लेते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद भाई इसमें भी ब्रांड नेम का पंगा आएगा, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ भाई ब्रांड नेम का पक्का इस पंगा से जरूर आएगा। तो चलो गाइज, आई होप आपको ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप भी इससे थोड़ा सावधान रहोगे कि अच्छी आइटम बेचोगे क्वालिटी आइटम बेचोगे जिससे आपको लॉस कम होगा, क्योंकि लॉस भाई बहुत हो रहा है मीशो पे सेलर्स को, इसलिए बहुत से सेलर्स तो कट चुके हैं इससे, तो आप भी ध्यान रखना क्वालिटी आइटम सेल करना, अच्छी आइटम सेल करना, और अच्छे से सेल करना हो तो एक ब्रांड जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हो उसमें ब्रांड भी ले लेना, और उसके साथ साथ आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी शुरुआत कर देना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नए आए हो जो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।